एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटकों से भरे कार मामले में मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच बैठक हुई, जिसके बाद सचिन वाजे को सस्पेंड करने का आदेश जारी हुआ। माना जा रहा है कि इस बैठक में वाजे को सस्पेंड करने का फैसला हुआ। आपको बता दें कि सचिन वाजे को शनिवार रात एनआईए ने गिरफ्तार किया था। अब एनआईए उन्हें पीपीई किट पहनाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। 25 फरवरी को पीपीई किट पहने एक व्यक्ति का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। इसमें वो एंटीलिया के बाहर खड़ी विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो के पास से गुजरता दिखा था। एनआईए को शक है कि वही व्यक्ति है जिसने स्कॉर्पियो को अंबानी के घर के बाहर खड़ा किया था। और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, बताइए और क्या जानकारी है, क्योंकि ये मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है। क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस वक्त? बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये जो मामला है धीरे धीरे और उलझता जा रहा है, लेकिन इसमें आज की जो अगर हम बात करें कि आज का डेवलपमेंट, तो आज के डेवलपमेंट में जहां आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच करीब 45 मिनट की बातचीत हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया सचिन वाजे को निलंबित करने का। लेकिन उसी के अलावा इस समय जहाँ एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्षा बंगले में जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो अपने मंत्रियों के साथ, और इसके अलावा वहाँ पर ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद भरंबे वो भी वहाँ पर गए हुए हैं, उन लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी भी आप ये समझिए, ये जो मामला है जितना शुरू में जितना सीधा या जितना आसान दिख रहा था, ये उतना ही उलझता जा रहा है। और इसके जो उलझन है, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है प्रेजेंट की सरकार पे है, क्योंकि धीरे धीरे जो परत दर परत खुल रही है और विपक्ष जितनी तेज़ी से आक्रामक हो रहा है, वो अपने आप में बैकफुट पे शिवसेना और एनसीपी को लेते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब निश्चित तौर पे जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी इस चीज़ का सवाल किया जाएगा, और बहुत सारे अभी भी जो अनसुलझे पहलू हैं जिनको लेकर के एनआईए अभी भी जो है पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसको भी अभी पुलिस कस्टडी सचिन वाजे की मिल गई है। लेकिन इसमें एक और आज का एक छोटा अपडेट यह है कि सचिन वाजे ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए उनको जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब ये देखना है कि वो कब निकलते हैं और एनआईए उनसे आखिरकार क्या उगलवा पाती है और क्या चीजें बाहर आती हैं, अब वो अगले एक या दो दिन के अंदर पता चल सकता है। जी मृत्युंजय जी, हाँ बहुत शुक्रिया सुबोध आपका इस पूरी जानकारी के लिए।